तो वही देखिए, बीजेपी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करने की मांग जोर पकड़ रही है। कंगना पर सुप्रिया ने गलत टिप्पणी की। बीजेपी की तरफ से कहा गया महिला शक्ति के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की गई। कांग्रेस ने युवा के बाद महिला शक्ति पर हमला किया है। सुप्रिया को बर्खास्त करेंगे कांग्रेस चीफ खड़गे। शहजाद पूनावाला ने ये सवाल उठाया है। वहीं सुप्रिया के पोस्ट पर प्रियंका कुछ बोलेंगी शहजाद पूनावाला, जिनकी तरफ से बातें कही गई। तो इस पूरे मामले में लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से इस पर माफी मांगी जा रही है और उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने ये पोस्ट नहीं किया। हदें पार करते हुए शक्ति के अपमान के बाद आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी और कंगना रनौत जी के बारे में जो अभद्र और भद्दी पोस्टिंग इंस्टाग्राम पर सुप्रिया श्रीनेत, जो इनकी सोशल मीडिया आईटी टीम की हेड है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने की, ये अस्वीकार्य है, परंतु ये कांग्रेस की मानसिकता को झलकाता है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, देखिए सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से जो पोस्ट किया गया है, हालांकि सुप्रिया इससे मना कर रही, उनकी तरफ से कहा गया कि जो टीम जो है मेरा अकाउंट ऑपरेट कर रही थी उन्होंने ये पोस्ट किया है और इस पर मैं महिलाओं पर इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करती, उन्होंने ये बातें भी कही है। लेकिन ये पूरा जो मुद्दा है इस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी सुप्रिया श्रीनेत की बर्खास्तगी की मांग कर रही है। क्या कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले में सुप्रिया श्रीनेत के किसी का बयान सामने आया है? स्वाति, बिल्कुल बयान सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राशिद अल्वी, उन्होंने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट हैक कर लिया गया था। अब सरकार ये कोशिश करे और ये पता लगाए कि आखिरकार उनका अकाउंट किसने हैक किया और इस तरीके की गलत टिप्पणी की। अब आप स्वाति एक बात समझिए, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन ये लड़ाई कैसी, ये लड़ाई सियासी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, माफ कीजिएगा, सियासी लड़ाई होनी चाहिए, व्यक्तिगत ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और मैं लड़की हूँ लड़ सकती का नारा देने वाली कांग्रेस की सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन है, आप समझिए, अगर उनके अकाउंट से इस तरीके की टिप्पणी की जाएगी तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। अब आप एक बात समझिए, पैरोडी अकाउंट का चलिए एक बार को समझ में आता है कि किसी ने पैरोडी अकाउंट से ट्विटर कर दिया और जो फेम होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके नाम से उनके फैन पैरोडी अकाउंट हमेशा बनाते हैं, लेकिन उसी पैरोडी अकाउंट के ट्वीट को अगर आपके व्यक्तिगत और निजी अकाउंट से अगर ट्वीट कर दिया जाए तो सवाल खड़े होने लाजमी है। और आप देखिए, चाहे वो बीजेपी के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट का ट्वीट हो या उनके हेड का ट्वीट हो, कांग्रेस का हो, सपा बसपा, जब भी कोई ट्वीट किया जाता है तो सबसे पहले उस ट्वीट की एक कोशिश हो, जो बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं, उनको सबसे पहले अपना ट्वीट देखते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उसके बाद उसको अप्रूवल देते हैं। यही सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि कल को आप अगर कोई भी बड़ा अप्रूवल दे देंगे और बिना आपके अप्रूवल के वो ट्वीट हो ही नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं गलती हुई है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन गलतियां, और आपको एक बात समझना पड़ेगा, इसी हमारे देश में हमने नेताओं की फितरत देखी, कोई महिलाओं के कपड़े का कलर पहचान लेता है तो कोई ये कहता रहा है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो सकती है, तो कोई कभी दीदी और दीदी कहता है, तो कोई कभी जर्सी गाय कहता है, कभी कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है कि लड़के मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। तो चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, जितने भी बड़े नेता हुए हैं, जिस पार्टी के नेता हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अक्सर महिलाओं के सम्मान में पार्टियां इस तरीके से उनको जिस तरीके से पेश आना चाहिए वो नहीं आती है और उनके नेता अक्सर इस तरीके से गलतियां करते हैं और ये कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान तार तार होता है और यही सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट की तरफ से किया गया। बिल्कुल मोहित, और यही वजह है कि बीजेपी अब इस पूरे मामले पर हमलावर है। लेकिन देखिए मोहित, राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की गई है। क्या लगता है सुप्रिया श्रीनेत पर कोई एक्शन ले सकती है इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस की तरफ से भी कोई एक्शन लिया जा सकता है क्या? देखिए, कांग्रेस के जो इंटरनल सोर्सेस हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस चीज पर रिपोर्ट मांगी है, वो आपस में अब चर्चा कर रहे हैं, जो पार्टी आला कमान को ठीक लगेगा वो करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है एनसीडब्ल्यू को, एनसीडब्ल्यू जो कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, राष्ट्रीय महिला आयोग, उसकी चेयरपर्सन रेखा शर्मा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, उन्होंने कहा है कि इस पर आप चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। और वो कार्रवाई इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि बीजेपी ने मंडी से, जो कि हिमाचल की लोकसभा सीट है, मंडी से उनको उम्मीदवार बनाया है। और आप इतना समझ लीजिए कि इस नाते एनसीडब्ल्यू ने एक लेटर लिखा है जिस पर उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। अब एनसीडब्ल्यू इस के लेटर मिलने के बाद अब कहीं ना कहीं जो गेंद बस्ती है वो इलेक्शन कमीशन के पाले में है, इलेक्शन कमीशन को जैसा उचित लगेगा वो उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। और बिल्कुल मोहित, देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्रवाई करता है और साथ ही कांग्रेस इस पर आगे क्या कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।